बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार, आर मधुबन और अनाया पांडे पहली बार एक साथ स्क्रीन पर एक समाजी ताकतवर ड्रामा में नजर आएंगे। इसी हवाले से आपको अपडेट देंगे हम आज की इस वीडियो में। वीडियो का आगाज करते हैं, चैनल में आपको वेलकम करते हैं। आज की इस वीडियो में अपडेट देंगे भारत के मशहूर वकील श्री शंकर नारायण की जिंदगी पर मबनी एक कहानी के पर ये फिल्म बनाई जा रही है। इसी हवाले से अपडेट्स लेकर आए हैं हम आपके लिए आज की इस वीडियो में। तो गाइस आपको बताते चलें कि भारत के मशहूर वकील श्री शंकर नारायण की जिंदगी पर मबनी ये कहानी एक ऐसी सच्चाई को सामने लाएगी जिसमें आपको भारत में बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ जदोजहद करने वाले श्री शंकर नारायण की जिंदगी से मुतलिक आगाह करेगी। गाइस आपको बताते चलें कि भारत में बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ श्री शंकर नारायण ने काफ़ी ज़्यादा जदोजहद की थी और जलियांवाले बाग कत्लेआम में जो वाक़यात हुए थे इसमें उन्होंने एक तारीखी मुकदमा लड़ा था। आपको बताते चलें कि धर्मा प्रोडक्शंस ने जुम्मे की सुबह सोशल मीडिया पर इस फिल्म की रिलीज़ का ऐलान किया, जिसके मुताबिक ये फिल्म होली के मौके पर 14 मार्च 2025 को रिलीज़ की जाएगी। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट पर इस फिल्म के हवाले से तफसीलात शेयर करते हुए लिखा कि ये फिल्म भारत के मशहूर वकील श्री शंकर नारायण की जिंदगी पर मबनी होगी। और आपको बताते चले कि इसके साथ उन्होंने कहा कि ये इस फिल्म की कहानी रघु पालत और पुष्पा पालत की किताब द केस डेट शॉक द एम्पायर से ली गई है। आपको बताते चलें कि जलियांवाले बाग कत्ले आम के बाद होने वाले तवील मुकदमात में से एक पर मबनी होगी ये फिल्म। फिल्म में आपको बरतानवी जुल्म और सितम के बारे में दिखाया जाएगा और जिसमें श्री शंकर नारायण ने भारतीय आवाम के हक में एक तारीखी जंग लड़ी थी। ये फिल्म बरतानवी जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ जदोजहद करने वाले श्री शंकर नारायण की ज़िंदगी की नुमाया अकासी करती है और ये फिल्म एक ऐसी कहानी सामने लाएगी जो तारीख में एक अहम हैसियत रखती है। आज़ादी की जदोजहद में ये एक ऐसे लम्हे की अकासी करेगी जिसमें ने आज़ादी की जदोजहद में अहम किरदार अदा किया है। तो गाइज आपको बताते चलें कि ये खबर सोशल मीडिया पर सामने आई तो सोशल मीडिया सार्फिन श्री शंकर नारायण की जिंदगी पर मबनी इस कहानी को देखने के लिए काफ़ी बेचैन नज़र आए और अभी तक इस फिल्म की शूटिंग के हवाले से कोई तफसीलात सामने नहीं आई। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो जिसे हमने आपके साथ मुकम्मल अपडेट के साथ शेयर किया है। वीडियो को जानकर आपको कैसा लगा कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल आप भूलिएगा। चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ का नोटिफिकेशन हासिल करें। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में एक नई के साथ। तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।